नमस्कार। 11 सितंबर चलो दिल्ली आंदोलन की मुहिम काफ़ी तेज हो चुकी है। आज 10 सितंबर है। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बड़ी महारैली भीम आर्मी के तत्वाधान आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हो रही है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब कैसे देख पा रहे हैं, एक बड़े प्रदेश से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और कैसे इस आंदोलन को देख पा रहे हैं? भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के निर्देश पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को जो निर्णय आया है, जिसमें वर्गीकरण और क्रिमी लेयर का जिक्र किया गया है, इस निर्णय के विरोध में पहले चरण में हमारा 21 तारीख को उत्तर प्रदेश और देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। ये दूसरे चरण में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये संदेश देना है कि जो भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 340, 41 और 42 में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और कमजोर लोगों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसको किसी प्रकार से छेड़खानी ना की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से कि इसके विरुद्ध जल्द से जल्द पार्लियामेंट में सत्र आहूत किया जाए और वहाँ पर इसको पुनः प्रस्ताव रख के विचार करके वापस करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति में आरक्षण को रखा जाए, या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी कहना है हम लोगों से कि हम इसको संविधान की 9वीं सूची में भी डलवाएंगे। जब भी सत्र चलेगा, हमारी सत्र में भी मांग होगी, हाउस के अंदर मांग होगी कि इसको 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की छेड़खानी इस अनुच्छेद आरक्षण से ना की जाए। क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है दिल्ली को कूच, कितने भारी संख्या में लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? दिल्ली में पूरे देश के कोने कोने से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चूँकि 75 जनपद हैं, हर जिले से, हर विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सरकार को हम अपनी शक्ति से एहसास करा देंगे कि अब ये समाज दबा कुचला शोषित पीड़ित अब ये सोया हुआ समाज नहीं है, अब ये जागा हुआ समाज है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संविधान में मिले अधिकारों को हर हालत में लेके रहेगा। अब इसके विरुद्ध कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत यदि हमें कमज़ोर करने का प्रयास करेगी, हमारे अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेगी, तो हम घर नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार के बड़े आंदोलन करके हम लोग सरकार को करारा जवाब देंगे। क्या अपील है आपकी? मेरी अपील है अपने उत्तर प्रदेश और देश के सभी कार्यकर्ताओं से, बहुजन समाज के लोगों से, कि कल के कार्यक्रम में बहुत ही अनुशासित तरीके से सभी लोग आएँ। आप लोग बसों से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, अपने छोटे वाहन से आ रहे हैं, तो पूरी सादगी के साथ आएँ और सादगी के साथ जाएं। आने जाने में कहीं किसी भी आम पब्लिक को परेशानी ना हो। आप पूरे विश्वास के साथ अपने ड्राइवरों को बिना किसी आक्षेप किए हुए आराम से आएं और कार्यक्रम को देखें, समझें। जो भी निर्देश मिले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका अपने अपने क्षेत्रों में जाके प्रचार प्रसार करें और उसका पालन करें। उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी मेरे साथ थे। 11 सितंबर आंदोलन पर अपनी बात बड़ी विभाग की सिरक की, क्या कुछ किस तरीके से सफल बनाना, ये भी इन्होंने दिशा निर्देश दिया। पब्लिक से जो अपील की वो भी आपके सामने। फिलहाल इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।